SSOID बनाना बिल्कुल आसान है। ये वीडियो देखने के बाद आपको SSOID बनानी आ जाएगी, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने गूगल खोल लिया है। गूगल के अंदर SSOID टाइप करके मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करते ही जो पहला लिंक आ रहा है, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही इसके अंदर ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का। तो अपने को आईडी बनानी है, इसका रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जन आधार, भामाशाह और गूगल अकाउंट, तीनों में से कोई एक अकाउंट है तो अपनी सिटीजन आईडी बन जाएगी। उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी बनानी नहीं है अपने को, तो सिर्फ सिटीजन आईडी बनानी है खुद की। तो इसके लिए अपने पास जन आधार कार्ड, लगभग राजस्थान के पास जितने भी सदस्य हैं, राजस्थान के जो आम जन निवासी हैं राजस्थान के पास, सभी के पास है। तो मैं जन आधार आई नंबर लगा रहा हूँ, आपको अपना लगाना है यहाँ पे जन आधार नंबर। जन आधार नंबर लगाने के बाद मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट बटन पर। अब आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इसके अंदर उस जन आधार से जुड़े सभी सदस्यों के नाम आ गए हैं। तो जैसे मुझे किरणदीप कौर की आईडी बनानी है, तो इस पे टिक करूँगा, सेंड ओटीपी करूँगा। तो किरणदीप कौर से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो वो मोबाइल है मेरे पास, उसमें ओटीपी आ गया है। ओटीपी यहाँ डालूँगा मैं, और वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब अपने पास एक नया पेज खुल के आएगा। इस पेज में किरणदीप डॉट कोर के नाम से एक ऑटोमेटिक आईडी बन के आई है। ये टिक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं इस टिक बटन पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे रेड कलर से एक लाइन बनी हुई आ गई कि SSOID यूजर नेम इज़ नॉट अवेलेबल। किरणदीप कौर के आगे मैं कोई नंबर डाल दूंगा, जैसे मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट, किरणदीप डॉट कौर 5000। अब इस पर टिक करके देखता हूँ तो ये बता रहा है ये आपको नेम मिल जाएगा। अब पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो मैं एक पासवर्ड लगा रहा हूँ। कंफर्म में ही सेम पासवर्ड लगाना है जो ऊपर लगाया था। आपके मामले में ये मोबाइल नंबर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है पासवर्ड इसके अंदर। इसके बाद ये रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। ये बस आपकी आईडी बन गई है और इसे आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।